अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। आ जाएगा जी इसमें, मतलब 3 लाख में ये इसके खाने का पीने, खाने का पीने के बर्तन ये 3 लाख में सब आ जाएंगे। अच्छा, मतलब कंप्लीट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चूजा सहित बस। किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। हम एक पोल्ट्री फार्मिंग पर आए हुए हैं और इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम, ये आपका जो पोल्ट्री फार्म है कितने बड़ का है और आपने कब से शुरू किया था ये? 130 है। मतलब कितने बच्चे, कितना चूजों का फार्म है ये? 3-3 हज़ार, 3 हज़ार इसमें डालते हैं, 3 हज़ार। अच्छा अच्छा। जो आपने जो नस्ल है, कौन सी नस्ल रखी हुई है ये? फिलहाल तो ये मौजूद जो है तो ये हब्बड़ का बच्चा है, उसे स्काईलार कंपनी का है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 35 दिन में तैयार। 35 दिन में। 35 दिन में। अगर इसके हम जैसे बात करें तो आपने 3-3 हज़ार का बताया, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है 3 हज़ार का शुरू करने में फार्म? शुरू फार्म करने में तो वो हिसाब है कि भाई अच्छा करके आप बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, और थोड़ा आदमी जैसे बल्ली 500 पे नहीं पे काम चालू करेगा तो कम खर्चा आ जाएगा। कम खर्चा आ जाएगा। हाँ, वैसे दो ढाई लाख तो लग ही जाए, 2-2.5 लाख। चूजा जैसा आज डाला तो 35 दिन बाद वो सेल हो जाएगा। हाँ, 35 दिन बाद, 35-36 कभी 30। 3 हज़ार यानी 40 और 35 दिन, इसके 30 दिन के बाद बीच में कभी भी आदमी बेचे। इस पर खर्चा कितना आता है एक चूजे पे, कितने का पड़ जाता है, उस पर कितना खर्चा आपका जाता है, कितना प्रॉफिट दे जाता है एक चूजा का? भाई फिलहाल तो जो मंडी के हालात चल रहे उस लिए तो इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर एक बच्चे को तैयार करने में, 2 किलो का बच्चा तैयार करने में कम से कम 70-75 तक का खर्चा आ जाता है। 75 तक का? और 2 किलो का तैयार सेल कितना हो जाता है फिर 2 किलो का वो? अब सेल की वो मंडी के ऊपर है, अगर हमारा 70 से ऊपर 75-80 बिकरा तो हमें कुछ बच रहा, और अगर ये 60-65 में मंडी जा रही तो फिर नुकसान हो रहा है। 75 का खर्चा आ गया उस पर 35 दिन तक तैयार करने में। हाँ, और फिर भी कितना तक चलाया था, 100 तक 120? नहीं, बस मंडी का हिसाब है, कभी 80-90-95 भी चली जा मंडी। मतलब नहीं, 75 से ऊपर कितना प्रॉफिट जाता है, 10-15 तक का एवरेज कितना प्रॉफिट दे देता है वो, 10-15 का 20 का? हाँ, बस उसी हिसाब से एवरेज। अगर आप 75 से ऊपर जा रहा है, 80 जा रहा है तो समझ के किलो पे 5 का दे रहा है आपको, 5 का। 85 जा रहा है तो 10 का दे रहा है, और 90 जा रहा है तो आपको 15-20 का फायदा मिल रहा है किलो पे। मतलब ज्यादा 15 तक ही दे पाता होगा। हाँ, बस इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं। इससे ज्यादा? हाँ। थोड़ा सैड इसके बारे में बताइएगा, सैड जैसा आपने बनाया हुआ है इस पर कितना खर्चा आपका इस पर इन्वेस्ट होता है, आपने बनाया था फार्म इस सैड में, थोड़ा आपने अलग भी बनाया हुआ है छप्पर टाइप का? हाँ, ये छप्पर टाइप का बना जी, इस पर हमारे लग गए थे यानी 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे नीचे पूरा सैड बनाने में। हाँ, 2.5 लाख रुपए इसमें खर्च हो गए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा किस तरह से ये बनाया हुआ है, अंदर तो खाली है? हाँ, अंदर खाली है, अंदर देख सकते हो, आ जाओ, क्या दिक्कत है। और उसके बारे में बताइएगा किस तरह से आपने तैयार करा था, ये कितना खर्चा हुआ था? ये तो खाली है फिलहाल, ये तो बंद, ये खाली हुआ है अभी, इसमें बच्चे थे अभी, इसकी सफाई वफाई करा दी हमने। हाँ जी। फिर उसमें कली वली रेत वेत डाल के दवाई दुई मारेंगे। हाँ जी। फिर उसके बाद दोबारा बच्चा इसमें छोड़ने की वो करें। जैसे अभी आपने बांस का बनाया, उस पर किस तरह से तैयार किया था, थोड़ा उसका बताइएगा पूरा सेट तैयार करने का इस तरह बांस से? बस ये तैयार, तो ये कॉलम खड़े थे आपको देख रहे हैं, ये तो लोहे के खड़े। हाँ। एक दो तीन। हाँ। ये लोहे के हो गए तीनों। हाँ। और बीच में जो सपोर्ट है ये बांस की लगा रखी, और इसी के ऊपर ये फिर पूरा छप्पर ये बंधा हुआ है, ये बांधने वाले लोग होते हैं अपना उन्हें। तो ये इसका इस तरह से बनाने में इसका सही रहता है या फिर वो टीन वगैरह का सही रहता है? नहीं देखो, अगर आप पक्का बना रहे वो सही है, अब वो थोड़ा आदमी अपना बजट का हिसाब देखता है, उसमें खर्च ज्यादा आ जाता है। उसमें ज्यादा खर्च है, उसमें खर्च ज्यादा। ठीक, तो ये भी रहता होगा किसानों को सस्ते में शुरू करना तो नहीं, सस्ते में ये सही है, और इसमें टेम्परेचर भी आपका सही बनेगा, गर्माहट भी सही होगा, और ये गर्मियों में ज्यादा तपता भी नहीं। तपता भी नहीं? हाँ, मतलब बच्चे को अंदर टेम्परेचर रखने में फायदा रहता है। टेम्परेचर के उसमें ये सही है। वैसे वो जो है चद्दर वाला, वो सर्दी में ठंडा भी होता है और गर्मी में गर्म भी होता है। अभी जो आपका इसका थोड़ा साइज और बताएगा फार्म का, ये एक आपका फार्म है, 3,000 बच्चे इसमें रखते हो आप? 3,000 रखते हैं हम। ये 30 फुट तो इसकी चौड़ाई है, 30 फुट चौड़ाई और 150 फुट इसकी लंबाई है। अच्छा, कितने इसका कितने स्क्वायर फीट में हो गया ये? बस या अभी आधा बीघा पौन बीघा किस हिसाब से होगा ये? हाँ, बस ऐसा ही होगा जी।
मतलब हाइट के हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे किसान भाई बस, नहीं आप बताए 30 फुट चौड़ाई है और 150 फुट लंबाई है, ये मेरे ख्याल से जब किसी भाई को किसानों को पोल्ट्री फार्म शुरू करना, तो एक अमूमन जो नॉर्मल है वो कितने से सही रहता शुरू करना स्टार्टिंग में, किसी किसान को शुरू करना हो पोल्ट्री फार्म? नहीं अगर आप शुरू करोगे, देखो अब एक बात है आपने छोटा बना लिया, सोचने की बात है, खर्चा और दिन रात लगा रहना और मेहनत भी वही है, और छोटा आप बनाओगे तो उसमें खर्चा भी कम आएगा। किसान भाइयों अगर आप अपने मोबाइल से कृषि से जुड़ी सामग्री बेचना और खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आ गया है ई फार्मिंग ऐप। इस ई फार्मिंग ऐप पर गूगल मैप की लोकेशन भी दी गई है, जिससे आप किसान के फार्म को लोकेशन को वहाँ की ट्रैक भी कर सकते हैं और आसानी से उसके फार्म को ढूंढ सकते हैं। इस ई फार्मिंग ऐप के जरिए आप अपनी कृषि सामग्री आसानी से बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। किसानों के काम को आसान करने के लिए इस ऐप को इसीलिए लॉन्च किया गया है। ई फार्मिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ई फार्मिंग ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। खर्चा भी कम आएगा, आमदनी भी कम होगी, ठीक, तो बड़े में आमदनी भी आपको ठीक होगी और कभी कभी ऐसा आएगा नुकसान, ऐसी बात। फीड वगैरह कौन सा देता है इनको, फीड वगैरह खाने में जो? बस ये फीड लगा हुआ है अभी, अलग अलग कंपनी के फीड है जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये फिलहाल जो है तो साइड की बात करिए, आपने साइड में बताया था कि 2-3 लाख का खर्चा आ जाता है साइड पे। हाँ जी, उसके बाद अगर जैसे ये सब आ जाएगा जी इसमें, मतलब 3 लाख में ये इसके खाने का, खाने का पीने के बर्तन ये 3 लाख में सब आ जाएंगे। अच्छा मतलब कम्प्लीट बिल्कुल तैयार हो जाएगा, चूजा सहित, बस ये समझ लो कि चूजे का रेट का हिसाब है तो वो भी आ जाएगा, एक हिसाब को देखा जाए 3 लाख में है ना। हाँ कंप्लीट तैयार हो जाएगा, अब फिर दाने का इसका वो तो है ही, वो अलग है वो तो। अच्छा हाँ, थोड़ा तो, बस थोड़ा एक चीज़ होता है लास्ट में, ये मटेरियल में क्या क्या चीज़ चाहिए बनाने में, इस तरह में जो ये छप्पर आपने इस तरह बनाया, ये जो छप्पर हमने बना रखा है। हाँ। अब ये बांस तो आपको दिख ही रहे, बांस लग गया इसमें एक, तो इसके ऊपर ये बोरिया बिछा रखा हमने, ठीक है, बोरिया के ऊपर एक मोटा पन्ना आता है, काला पन्ना सब, वो मोटे वाली वो बिछी हुई है इसके पूरे के ऊपर, तरपाल टाइप की है वो, हाँ पन्नी होती है, हाँ हाँ वो पड़ी है हमारे पास, वो पड़ी है देखो बिछा रखी हमने, वो काली वो पड़ी हुई है, तो वो पूरी इसके ऊपर बिछा के और फिर उसके ऊपर ये फूस डलवा रखा हमने, फूस डलवा के फिर ये अब ये कंप्लीट है। तो आपने 2 फार्म तैयार कर रखे हैं, एक उधर एक इधर? जी जी, 2। अब इधर उधर का तैयार हो जाएगा तो आप इधर डाल दो। हाँ बस अब ये निकला है, इसकी सफाई वफाई कराई हमने कल, अब सफाई कराई है, अब इसमें रेता वेता डाल वाल के दवाई दवाई मार के फिर अब इसमें डाल देगा जब, तो फिर उसका निकल जाएगा, फिर उसको सफाई उफाई के लिए, फिर उसकी सफाई। यानी अगर आपको कंटिन्यू चूजा पालना है तो 2 फार्म इस तरह के रखने जरूरी है, हाँ, एक की सफाई ना रखना ना, कंटिन्यू आगे लगातार करता है, एक की सफाई होती रहे, एक का काम चलता है, वो तो बजट का हिसाब है, आदमी 2 कर लो 3 कर लो, फिर उसमें एक लेंस ही लगी रहती है। आप वैसे कब से इस कारोबार में, कब से हो इस चीज में, कब से कर रहे हो? वैसे हमें तो जी 1 साल ही हुआ। अच्छा 1 साल हो गया। और कोई जान, और इसके अलावा कुछ और, जैसे मान लिया किसी किसान को अपना सेड शुरू करना हो, एक अंदाजा मतलब 2,000-3,000-4,000 कितने से एकदम सही रहेगा, एक छोटा किसान कर सकता है जो पालना, 10,000 कितने सही रहेगा एक किसान को शुरू करना? बस यही है कि 2,000 क्या ये 3,000 का तो कम से कम एक फार्म बना हुआ है, 3,000 चाहिए तो कम से कम चाहिए ना, इस पर आदमी कितना प्रॉफिट इंसान ले लेगा 3,000 का शुरू करा, 3 लाख खर्च हो गए शुरू में। प्रॉफिट का तो जी इसमें ऐसा है कि मंडी के ऊपर ही, वो मैं आपको बता रहा, अगर मंडी आपको अच्छी मिल जा तो आप इसमें एक उसमें ही लाट में 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। नहीं चलो अमूमन हम मान लेते हैं कि हमने 3,000 बच्चे डाल दिए लेके, जी जी, हर बच्चे पे 10 रुपए का एवरेज मान लो, 10 रुपए बच गए, हाँ तो उस हिसाब से 3,000 पे 10 रुपए के हिसाब से फिर कितना प्रॉफिट आ जाएगा सब पे, मतलब चूजा पहले तो 3 बताइए आप कितना का, 3,000 बच्चे कितने का पड़ जाएगा? वो 3,000 बच्चे का भी रेट अलग अलग है जी। हाँ चलो मान लो 70। अच्छा, और फिर आप ये समझ लो कि ये भी मंडी के हिसाब से बच्चे का रेट रहता है, यानी अब ज़्यादा सस्ता चल रहा, कभी कभी तो 40 तक बच्चा चला जाता है, लोग जब भी डालते हैं 40 कभी है। हाँ जब भी डालते हैं, और अब फिलहाल है 13-14 का बच्चा चल रहा। अच्छा, क्योंकि मंडी डाउन है, इसका रेट तो हर दिन अब डाउन होते हो? हाँ रोज़ाना मंडी खुलती है जी, रोज़ाना मंडी का रेट कम ज़्यादा जो भी होता है वो रोज़ाना होता है, रोजाना होता है। इसकी सेल आप इसको मार्केट कहाँ पे बेच खाते हो? बस बेचने वाले हम तो कहीं लेकर नहीं जाते, सप्लायर है जो लोग हैं इस तरह के डीलर हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं भाई हमारे पास 3,000 बच्चा है, हम उसमें से 1,000 बेचना चाह रहे, 2,000 बेचना चाह रहे, 3 का 3 बेचना चाह रहे, तो मैं आपको रेट बता दें, अगर आपको अच्छा लगे भाई इस रेट में तो उठवा दो,
नहीं तो कोई बात नहीं, चाहे एक दिन में भर के ले जाओ। हाँ बस ये। इनमें पोल्ट्री फार्म में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है मुर्गी पालन में, जो इक्विपमेंट है, जैसे आपके ये फीड ड्रग्स में सामान रखे हुए हैं कुछ? हाँ, किस किस तरह की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बता दिखाइए। ये डब्बे तो पानी के हैं, पीछे ये एक तो ये चाहिए, और ये डब्बे खाने के हैं बड़े, ये खाने के पीछे जरूर, ये बड़े हैं। इनमें कुछ छोटे भी डब्बे हम इसी तरह के जो छोटे बच्चों में लगा दें। अच्छा। अब छोटे बच्चों में ऐसा हिसाब है, जैसे हम छोटा बच्चा छोड़ देंगे तो दो खानों में छोड़ देंगे परली तरफ, उसे पूरा पैक कर देंगे चारों तरफ से, उसमें भट्टी रखी, ये भट्टियाँ लगाएंगे। अच्छा। क्योंकि उन्हें शुरू में टेम्परेचर चाहिए, अच्छा टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए हम उन्हें वो टेम्परेचर दे के वो दो खानों में रख देंगे उन्हें। फिर जैसा देखा दो तीन दिन के बाद वो कुछ बड़े से एक खाना और बढ़ा दिया, एक खाना और बढ़ा दिया, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते पूरे फार्म में ले आएंगे, जैसा उसमें पूरे फार्म में आ चुके बच्चे। हाँ तो ये। तो किसान भाई, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, बाकी जो मुर्गी पालक किसान उनको भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।